जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमेशा एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि संतान प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से कर्म और भाग्य का जीवन में हर कार्य के लिए सात्विक होना आवश्यक है, उसी प्रकार से संतान प्राप्ति के लिए आपके कर्म के साथ में भाग्य का भी साथ देना अति आवश्यक है। और साथ में ध्यान रखें, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, केवल कर्म करने की आवश्यकता है। और कर्म करने से विधाता के लिखे हुए अंक भी मिट जाते हैं। कर्म में बड़ी शक्ति है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि ईश्वर से ना डरो, केवल अपने कर्मों से डरो। कर्म सही हो तो परमात्मा का भी साथ प्राप्त होता है। दोस्तों, संतान प्राप्ति में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे सर्वप्रथम आपको चाहिए कि अगर आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है या पहले से ही पुत्रियां हो रही हैं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विशेषण करवाएं। जन्म कुंडली का विशेषण करवाना अति आवश्यक है। कुंडली के विशेषण के अनुसार पता लगता है कि पति पत्नी के भाग्य में संतान सुख है या नहीं है। अगर संतान सुख है तो किन कारणों के कारण रुकावट है, योग कब है, किस ग्रह का क्या उपाय करना चाहिए? सर्वप्रथम तो इस बात का ध्यान आवश्यक रखें कि कुंडली विशेषण से ही पता चलता है। अगर आप निराश हो चुके हैं उपाय करते करते, तो कुंडली का विशेषण जरूर करवाएं और सुयोग ज्योतिषी के द्वारा आप कुंडली का विशेषण करवाएं। कुंडली के अंदर जो ग्रहों की परेशानी है, ग्रहों की शांति कराएं। सर्वप्रथम तो ये हो गया। दूसरा हो जाता है कुंडली विशेषण के साथ आप हरिवंश पुराण का संकल्प लेकर के विधि पूर्वक पाठ श्रवण करें। स्वयं के हरिवंश पुराण के करने से, पाठ करने से कई बार त्रुटियां हो जाती हैं, जिन त्रुटियों के कारण कहते हैं अच्छा सोच रहे हैं, कई बार उल्टा हो जाता है। तो इसलिए आप फोन के द्वारा भी विधि पूर्वक संकल्प लेकर के सुन सकते हैं। अगर जो पहले से हरिवंश पुराण सुन रहे हैं उनको नहीं हो पा रही, तो कुंडली विशेषण करना आवश्यक है। अब रही, कई बार हमारे पास में कमेंट आते हैं, गुरु जी हमारी तो जन्म डिटेल है नहीं, पति की है तो पत्नी की नहीं है, पत्नी की है तो पति की नहीं है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे समय पर चाहिए कि पति पत्नी की हस्तरेखा के द्वारा भी विशेषण हो जाता है। पति के दाएं हाथ की, राइट हाथ की फोटो भेजनी हथेली की, पत्नी की लेफ्ट जो बाएं आते हैं उसकी फोटो भेजी जाती है, नाम भेजा जाता है। इसके साथ जिस समय आपने प्रश्न किया उसकी प्रश्न कुंडली बनाई जाती है कि आपकी उम्र क्या होगी, कितनी एज है, उसके द्वारा भी 99% तक पता चल जाता है। थोड़ा परिश्रम जरूर होता है उसमें, एक दिन का समय लिया जाता है, पर पूरा पता चल जाता है। और एक बात विशेष ध्यान रखें कि हमारे द्वारा केवल नित्य प्रति दो कुंडलियों का ही विशेषण होता है। दो दंपत्ति जोड़े ही कुंडली विशेषण करवा सकते हैं, इससे ज्यादा बुकिंग हम नहीं लेते, क्योंकि एक कुंडली को सही प्रकार से देखने में हमें 3 घंटे का समय चाहिए। और हमारा जो समय होता है विशेषण का, 12 बजे से लेकर 6 बजे के बीच के दिन का होता है, इसके अंदर हम कहते हैं, तो दो ही कुंडलियों का विशेषण कहते हैं। इसलिए आपको वेट भी करनी पड़ सकती है, 1-2 दिन का समय भी देना लेना पड़ सकता है।
अगर समय होता है कोई कुंडली उस दिन की नहीं आई होती है तो सबसे पहले आपकी देख ली जाएगी। और जो आपको कुंडली का शुल्क है वो देना अति आवश्यक है। हमारे कार्यालय पे ये नहीं होता कि हम फ्री का चक्कर लालच देकर के आपसे पैसा लें कि हाँ जी इतने अकाउंट में हम ये जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, ये बंधन खोल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो होता है केवल कुंडली विशेषण की या परामर्श की या कोई मुहूर्त निकलवा रहे हैं, तारीख निकलवा रहे हैं, डेट निकलवा रहे हैं, उसका शुल्क लिया जाता है क्योंकि वो अति आवश्यक है। बाकी हमारे यहाँ पर किसी तंत्र मंत्र के नाम पर या कि हम आपको ये उपाय कर देंगे इतने हजार बैंक में डाल दो, वैसा कोई भी नहीं चलता। कोई जाप अनुष्ठान अलग से करवाना चाहता है तो किसी किसी का ही कर पाते हैं, तो उसका अगर उस समय ब्राह्मण उपलब्ध होंगे तो करवा देते हैं, वो भी उचित दक्षिणा के साथ जो जायज बनता है परिश्रम के अनुसार लेते हैं। तो आप हमारे यहां से पूजा पाठ ज्योतिष का भी परामर्श कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेजना पड़ेगा। तो आप जो कुंडली विशेषण जरूर करवाएं, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली में योग है कि नहीं है। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार की अनेक जानकारियों के साथ हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।